नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गंगा नदी में स्नान के दौरान हुआ भीषण हादसा, 5 लोग डूबे, 3 का शव बरामद, 2 की तलाश जारी। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर IME की ओर से रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। SSP ने कहा, हमारे जीवन में डॉक्टरों का है बड़ा महत्व। नेशनल डॉक्टर्स डे पर ID अंग प्रदेश में लगाया अवेयरनेस कैंप, लोगों को कैंसर से बचाव की दी गई जानकारी। और रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने किसान के घर पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, दहशत में लोग। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अवजूगंज गंगा घाट पर शुक्रवार को गंगा स्नान करने के दौरान 5 लोगों की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी डूबने वालों की तलाश शुरू की गई, जिसमें से 3 लोगों के शव को नदी से बरामद कर लिया गया है, जबकि 2 अन्य शव की तलाश SDRF टीम द्वारा जारी है। वहीं घटना की खबर फैलते ही गंगा घाट पर कोहराम मच गया और परिजनों की चीत्कार से माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया। इधर गंगा में डूबने वालों की पहचान अनीता देवी, सुप्रिया कुमारी, काजल कुमारी के रूप में हुई है, जबकि 2 शवों का पता लगाया जा रहा है। वहीं पीड़ित के एक परिजन ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस घटना को जानबूझकर अंजाम दिया गया है। साथ ही पीड़ित परिजन ने इसको लेकर कुछ लोगों का नाम जाहिर करते हुए जबरन डुबाने की बात कही है। जैसे मालूम हुआ तो हम लोग गए हैं तब तक वो जीवित तो निकाल चुका था, फिर उसके बाद थोड़ा देर के बाद एक लेडीज थी उसको निकाला गया, वो भी हॉस्पिटल जाने के बाद देख के, उसके बाद उसकी बेटी निकली, शायद सुप्रिया नाम है कि क्या नाम है उस पर। फिर 1 घंटा के बाद, उसके 1 घंटा के बाद फिर एक लड़की जो बाहर सामने लेके, के को निकला है, 3 को निकला, 3 को निकाले आप लोग, तीनों को कहाँ रेफर भेजे? रेफर इलाज। क्या लगता है कि ये जो डूबा गंगा में स्नान के दौरान डूबा है? नहाते नहाते सब भी छूल गए, दीदी हमको बचाने चक्कर में सब घिसने लगा, दीदी हमको घिस लिया, तब तक मौसी घिसी हमको हाथ सब अंदर। पहले पहले तुम ही डूब रही थी? हाँ। उसके बाद कौन बचाया तुमको? हम अंदर चल गए, हमको पता नहीं था, हाथ ऊपर करते करते दीदी घिसी, फिर उसके बाद दीदी अंदर चल गए, उसके बाद मौसी घिसी हमको। कौन दीदी, नाम क्या है? काजल कुमारी। देश के जाने माने प्रसिद्ध डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती के अवसर पर मनाए जाने वाले नेशनल डॉक्टर्स डे को लेकर शुक्रवार को भागलपुर समेत देश भर में चिकित्सकों द्वारा चिकित्सकों के सम्मान में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दरअसल कई गंभीर बीमारी और महामारी काल में डॉक्टरों की उपयोगिता और महत्व को देखते उन्हें धरती के भगवान का दर्जा दिया जाता है, जो कई मौकों पर लोगों की गंभीर बीमारी से जान बचाने पर साबित भी होता रहा है। वहीं डॉक्टर्स डे को लेकर शुक्रवार को भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मायागंज अस्पताल में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसका उद्घाटन भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम और JLNMCH के अधीक्षक डॉक्टर सिंह कुमार दास समेत कई चिकित्सकों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान SSP बाबूराम ने बताया कि हमारे समाज और पूरी दुनिया में डॉक्टरों की अहम भूमिका है और स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की समस्या होने पर हमें चिकित्सकों की मदद की जरूरत होती है, इसलिए चिकित्सकों के महत्व और योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही SSP ने कहा कि नेशनल डॉक्टर्स डे पर रक्तदान शिविर लगाकर चिकित्सकों द्वारा ब्लड डोनेशन करना समाज के लोगों के लिए रक्तदान के प्रति सकारात्मक संदेश है। इधर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सिंह कुमार दास ने सभी चिकित्सकों को डॉक्टर्स डे की बधाई देते हुए कहा कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए शिविर में कई चिकित्सकों ने रक्तदान किया। उन्होंने बताया कि रक्तदान शिविर में कई चिकित्सकों ने 50वीं बार रक्तदान किया। साथ ही अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास ने कहा कि सभी डॉक्टर्स को एकजुट होकर पूरी ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना ही डॉक्टर का वास्तविक धर्म है। मौके पर डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर सोमेन चटर्जी, डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर राजीव सिन्हा समेत काफी संख्या में चिकित्सक मौजूद रहे। IME के द्वारा ब्लड बैंक के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, साथ ही डॉक्टर्स डे पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज के दिन समाज के लिए एक अवसर है कि सभी जो डॉक्टर कम्युनिटी है उनके योगदान को हम लोग सराहें। सभी डॉक्टर लोग भगवान के बाद धरती पे जो कोई एक महत्वपूर्ण व्यक्ति नज़र आता है वो डॉक्टर नज़र आता है, जो लोगों की जान बचाते हैं। और पिछले 2 साल में कोरोना संकट में हम लोगों ने देखा कि सभी डॉक्टर लोगों ने कैसे अपने आप को और अपनी फैमिली को रिस्क में डालकर लोगों की सेवा की। तो आज के दिन हम सभी लोगों को संपूर्ण डॉक्टर कम्युनिटी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए,
कि वो और बढ़ चढ़ कर लोगों की सेवा में अपना योगदान दे सकें। आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे SSP साहब बाबूराम जी, उनका हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और ये IMA के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह हैं और यहाँ ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर रेखा झा और हम लोग सभी जो IMA के सहयोगी हैं उन सभी के प्रेजेंस में आज ये ब्लड बैंक। रक्तदान का जो मेरा सिलसिला है वो करीब 25 साल पहले शुरू हुआ था और मैं साल में दो बार जरूर रख देता हूँ। तारीख तय है 23 जनवरी और 1 जुलाई। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के और 1 तारीख को डॉक्टर्स डे पर। ये मैं पिछले करीब 25 साल से रक्तदान कर रहा हूँ और कभी भी मुझे कोई तरह की परेशानी नहीं हुई। मैं सिर्फ और सिर्फ समाज को यही देना संदेश देना चाहता हूँ कि रक्तदान जो है एक बहुत बड़ा महादान है। आप इससे किसी की का जीवन बचाते हैं और आपको आप मानवता की सेवा में एक छोटी सी छोटा सा सहयोग करते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के उपलक्ष्य पर इंडियन डेंटल एसोसिएशन अंग प्रदेश भागलपुर की ओर से ओरल चेकअप शिविर का आयोजन किया गया। अवेयरनेस कैंप भागलपुर सैंडिस कंपाउंड प्रांगण में लगाया गया था। शिविर में IDA से जुड़े चिकित्सकों ने 150 मरीजों का निःशुल्क जांच किया। जांच के क्रम में अधिकांश लोग में पायरिया, दंत एवं मसूड़े से खून आने से संबंधित बीमारी सामने आई है। वहीं डॉक्टर अभिषेक सिन्हा ने दांतों में सड़न और कैंसर के शुरुआती लक्षण की जानकारी विस्तार पूर्वक दी। इसके पूर्व शिविर का शुभारंभ समाजसेवी यादव, IDA के सचिव डॉक्टर जौहर साजिद, डॉक्टर शुभांकर कुमार सिंह, डॉक्टर साकेत बिहारी शरण और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। वहीं इंडियन डेंटल एसोसिएशन अंग प्रदेश के कैंप में जांच कराने आए लोगों को एक कार्ड मुहैया कराया गया, जिसको लेकर डॉक्टर वसंत प्रसाद एवं डॉक्टर नवीन ने बताया कि जो मरीज कार्ड को लेकर क्लिनिक पर आएंगे उन्हें 10% की छूट दी जाएगी। कार्यक्रम में डॉक्टर जौहर साजिद ने बताया कि डॉक्टर्स डे प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर BC रॉय के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जबकि अध्यक्ष डॉक्टर शुभांकर ने कहा कि इस दिवस का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। शिविर को सफल बनाने में डॉक्टरों के अलावा फार्मा कंपनी के प्रतिनिधियों का भी सहयोग रहा। इस अवसर पर डॉक्टर अजय भारती, डॉक्टर पंकज, डॉक्टर शहजाद समेत कई चिकित्सक मौजूद थे। जैसे कि आप लोग समझते हैं 1 जुलाई हम लोगों के लिए नेशनल डॉक्टर्स डे है। हम लोग हर साल इसी तरीके से 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और जब भी ये डॉक्टर्स डे आता है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। डॉक्टर्स का बेसिक वर्क है अपने मरीजों के लिए, जनता के लिए समर्पित। तो इसके लिए हम लोगों ने IDA ने, इंडियन डेंटल एसोसिएशन अंग प्रदेश भागलपुर ने एक बहुत अच्छी पहल की है। इसमें यहाँ पर भागलपुर में सबसे ज़्यादा भीड़ लगने वाली जगह है ये सैंडिस कंपाउंड। यहाँ मॉर्निंग वॉकर्स का हब है। यहाँ पर हम लोग आए, जितने भी मॉर्निंग वॉकर्स थे सबका हम लोगों ने ओरल हाइजीन टेस्ट किया, उनको एक निश्चित सलाह दी कि उनके लिए आज अच्छा क्या हो सकता है, ओरल कैंसर से रोकथाम के लिए क्या करें, शुरुआती ओरल कैंसर्स के क्या क्या लक्षण हैं, साथ ही साथ उनको हम लोगों ने देख कर 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 करके कुछ दवाइयां भी यहां पे प्रोवाइड की। डॉक्टर्स बिना थके अनवरत दिन रात मरीजों की सेवा करते हैं और उन्हें स्वस्थ करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टरों के इसी सेवा भाव को देखते हुए प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। दरअसल 1 जुलाई को भारत के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर विधान चंद्र राय की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उन्हीं की याद में वर्ष 1991 से देश में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाने की शुरुआत हुई। वैसे राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर भागलपुर के प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान ने कहा कि इंसान के जीवन की शुरुआत से लेकर उसकी सुरक्षा के लिए हर पड़ाव पर डॉक्टर उसके साथ होता है। उन्होंने बताया कि बच्चा जब जन्म लेता है तो डॉक्टर ही माँ के गर्भ से शिशु को दुनिया में लाते हैं। उसके बाद शिशु को रोगों से बचाने और सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी सभी जानकारी और वैक्सीनेशन देते हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रहमान ने वर्तमान समय में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सभी से सतर्क रहने और कोविड का टीका जल्द लगवाने की अपील की है। इधर शहर की MDS प्रोस्थोडोंटिक्स डॉक्टर अमृता प्रीतम ने नेशनल डॉक्टर्स डे पर चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी। साथ ही कहा कि मनुष्य के जीवन में एक डॉक्टर की भूमिका को बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारी संस्कृति में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। मास्टर ऑफ डेंटल सर्जन डॉक्टर मृदा प्रीतम ने डॉक्टर्स डे पर सभी चिकित्सकों और लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की बात कही। उन्होंने बताया कि
नेशनल डॉक्टर्स डे पहली बार बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बीसी राय के काम को सम्मान देने के उद्देश्य से मनाया गया था। विश्व डॉक्टर दिवस पर डॉक्टर समुदाय के सभी लोगों को शुभकामनाएं। डॉक्टर होने के नाते हम ये जरूर मैसेज देंगे कि जो हालात कोरोना के बाद से हम लोग झेल रहे हैं, जिस तरह से इकोनॉमी की हालत थोड़ी खराब हो रही है, डॉक्टरों को मरीजों के प्रति थोड़ा सा नर्म रवैया बरतते हुए उनका इलाज करना चाहिए और उनसे करीब होने के लिए उनको जानकार बनाने की कोशिश की। आज के दिन जो ज़रूरत है डॉक्टरों की, सबसे बड़ी ज़रूरत है कि बीमारी के प्रति अगर मरीज जागरूक होगा तो बीमारी कम होगी या अच्छे से इलाज हो सकेगा। चुनांचे आज हम संकल्प लें इस चीज़ का कि हम मरीज जिस जिस चीज से पीड़ित है उसको जानकार बनाने के लिए हर तरह के उपाय करेंगे और उन्हें बताएंगे ताकि वो इलाज अच्छे से करा सके। नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर मैं सभी डॉक्टर्स को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूं। यह दिवस देश के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर विधान चंद्र राय की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। आज के दिन मैं सभी डॉक्टर से अपील करती हूं और लोगों से भी अपील करती हूं कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। विशिंग यू ऑल ए हैप्पी डॉक्टर्स डे। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गंगापुर में गुरुवार की देर शाम गांव के दबंग अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर एक किसान के घर में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। वहीं इस घटना को लेकर पीड़ित किसान परिवार की गीता देवी और संगीता देवी ने बताया कि 30 जून की देर शाम उसके घर में गांव के दबंग अपराधी विकास यादव, राकेश यादव, घनश्याम मंडल और चाहुल कुमार समेत करीब 10 की संख्या में राइफल लेकर पहुंचे दबंगों ने उसके घर में ताबड़तोड़ फायरिंग की। पीड़िता ने बताया कि गांव के दबंग अपराधियों द्वारा उन लोगों से 2 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी और पैसे नहीं देने पर दबंगों ने दहशत फैलाने के लिए घर में राइफल से फायरिंग कर दी। वहीं पीड़ित किसान समेत आसपास के कई घरों की दीवार पर भी राइफल की गोलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा गीता देवी ने कहा कि वीडियो में भी उसके घर के पास विकास यादव राइफल से फायरिंग करता दिख रहा है, जबकि इस दौरान बदमाशों ने करीब 60 राउंड फायरिंग की। वहीं किसान के परिवार वालों का कहना है कि इससे पूर्व भी रंगदारी नहीं देने पर घर पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलने के कारण किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। साथ ही कहा कि इस बार की गोलीबारी की घटना कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। अगर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम घटना के छानबीन में जुट गई। हालांकि इस घटना के बाद से एक ओर जहां किसान के परिवार में दहशत का माहौल है, वहीं दूसरी ओर अब तक पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। कैसे, क्या घटना घटा? वो अपने घर पे आके गोलीबारी अपने से करने लगा। क्या बजे? 6 बजे शाम में। कौन करने लगा? विकास यादव और राकेश यादव और घनश्याम मंडल, तीनों, और एक जाहुल कुमार है सर। हाँ, सब चारों मिल के यहाँ आया और 2-4-10 आदमी था, हम नहीं पहचान पाए। क्या चीज़ से फायर किया? अभी सब सामान गोली सामान से बड़का बड़का राइफल था। हाँ, बड़का सर। हाँ, क्या चीज़ से? इतना बड़ा बड़ा था राइफल। हाँ, इतना बड़ा बड़ा राइफल था। हम औरत हम नाम नहीं जानते हैं, सब सामान का नाम नहीं जानते। वही फायर किया है? हाँ, वही से फायर किया। घर में भी लगा? हाँ, मेरा घर पर शीशा फूटा, मेरा घर का शीशा फूटा, आप लोग देख लीजिए। आप प्रशासन को फोन किए तो प्रशासन आया है, बोला कि प्रशासन आया तो बोला कि आप लोग थानों का आएंगे, तो बोले कि गोली चल रहा है, हम लोग डर से थानों नहीं गए। बोले कि लिख के दीजिए, हम लिख के दिए हैं, जो जो गोली चलाया है हम लिख के उनके पास दरोगा बोले कि हमको दीजिए, हम दिए। कितना देर बाद लिख के देने? लिख के नहीं, जब आए तब दिए। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए।
से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र भले ही छोटा रहा, लेकिन सरकार ने पदाधिकारियों के तबादले बड़े पैमाने पर किया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के विशेष सचिव सतीश प्रसाद सिंह ने तबादले का आदेश जारी किया है, जिसके तहत भागलपुर नगर निगम के उपनगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद यादव को गया नगर निगम का उपनगर आयुक्त बनाया गया है। गौरतलब हो कि इसके पूर्व प्रफुल्ल चंद यादव भागलपुर नगर निगम के प्रभारी नगर आयुक्त भी रहे हैं। वहीं भागलपुर नगर निगम के सिटी मैनेजर रवीश चंद्र वर्मा का तबादला नगर परिषद राजगीर किया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग से जारी पत्र के मुताबिक उपनगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद्र का गृह जिला मधेपुरा और नगर प्रबंधक रवीश चंद्र वर्मा का गृह जिला समस्तीपुर है। इधर निगम के दोनों पदाधिकारियों के तबादले के बाद कई तरह की चर्चा नगर निगम में होने लगी है। नाथनगर थाना क्षेत्र के सीटीएस चौक स्थित एक फल दुकान में बीती रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने दुकान में रखे बिक्री के करीब 30 से 35 हजार नकदी एवं मोबाइल समेत कई पेटी फल की चोरी कर ली है। दुकान मालिक ने बताया कि दुकान में हम सोए हुए थे, तभी देर रात कुछ अज्ञात चोरों ने दुकान में घुसकर रुपये, मोबाइल और फल चोरी कर लिया। आसपास के दुकानदारों से मिली जानकारी के मुताबिक ऐसी चोरी की घटना कई बार हो चुकी है। चोरी की घटना से स्थानीय दुकानदार परेशान हो गए हैं। बीते दिन पूर्व भी वहीं पर एक चाय दुकान में चोरी की घटना हुई थी, जिसके बाद दुकानदार ने नाथनगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन आज तक कोई भी सामान बरामद नहीं हुआ और ना ही कोई चोर की गिरफ्तारी हुई। मोबाइल था, पैसा था, सब ले लिया गया। और फल भी? फल अनार खरीद लिया। लगभग कितना पैसा? ज्यादा पैसा लिया, 30-35 हजार रुपया था। आम का बेचा हुआ 3 दिन सब ले लिया। दुकान में कोई नहीं था? दुकान में थे, अंदर में घर भी चल रहे हैं, सब खाली करके ले लिया। कौन लिया? कौन लिया नहीं देखे, देखते तब ना सोए वो। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गंगा नदी में स्नान के दौरान हुआ भीषण हादसा, 5 लोग डूबे, 3 का शव बरामद, 2 की तलाश जारी। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर आईएमए की ओर से रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन, एसएसपी ने कहा हमारे जीवन में डॉक्टरों का है बड़ा महत्व। नेशनल डॉक्टर्स डे पर आईडी अंग प्रदेश में लगाया अवेयरनेस कैंप, लोगों को कैंसर से बचाव की दी गई जानकारी। और रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने किसान के घर पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, दहशत में लोग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।